गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ SJ व्लॉग्स। अभी हम हैं स्पीति के हुरलिंग विलेज में, और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा तो हम स्पीति राइड कर रहे हैं, स्पीति वैली की राइड कर रहे हैं, और टापरी से नाको होते हुए हम आ गए थे कल हुरलिंग। हुरलिंग में हमने ड्रीमलैंड होटल में स्टे किया, ये हमारा बेड था, और आज हमारा ये प्लान है कि आज हम जाएंगे टुवर्ड्स काजा। काजा के आसपास वैसे तो हिक्किम, लैंगजा, कॉमिक, ये सारी जगह हैं जो हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, बुद्धा जी की स्टैचू है, लेकिन आज हम उधर नहीं जाएंगे। हमारा प्लान ये है कि आज हम टुवर्ड्स जाएंगे की, किब्बर एंड चिच्चम, और उसके बाद हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स लोसर। डॉक्टर साहब इज हियर। डॉक्टर साहब हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फटाफट सामान को लोड करते हैं अपने बाइक पे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और आज की राइड की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं, हम नहीं मतलब भाई खा रहा है, भाई का भी मैं I'll give you back. This is omelet. Okay, take. And this is आलू का पराठा। इसको फटाफट निपटाते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल रात में जो थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हुई थी, वो बर्फ पहाड़ के ऊपर जो चोटियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिख रही है, ऐसा बोला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हिक्किम में, कॉमिक में, किब्बर में नहीं, हिक्किम में, कॉमिक में, लैंगजा में बर्फ मिलेगी, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम की, किब्बर, चिच्चम, ये कल जाके पराठा आ गया हमारा, ऑमलेट आ गया हमारा। थैंक यू भैया की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और अच्छी बात है कि भैया जब भी बात करते हैं मुस्कुरा के बात करते हैं, भले कितने भी टेंशन में हो, लेकिन तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम की, किब्बर, चिच्चम कल जाके आज हिक्किम, लैंगजा देखाएं, क्योंकि बर्फ इम्पोर्टेंट है भाई। यू अंडरस्टैंडिंग, स्नो इज इम्पोर्टेंट। यस, राइट, ओके। आलू पराठा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने इनको इतना आलू पराठा खिलाया है कि केरला जाके ये कहेंगे भैया इडली नहीं चाहिए, आलू पराठा मिलेगा। ये जो हम स्टे कर रहे थे वो था ड्रीमलैंड, जैसा मैंने बताया आपको, हिमालयन हॉलीडेज विथ राज शर्मा। तो यहाँ से अब हम जाएंगे टुवर्ड्स ताबो। ताबो के पहले आएगा धनकर। अब मुझे अभी किसी ने बोला कि मुद विलेज पिन वैली बंद है, रोड का काम चल रहा है तो पिन वैली बंद कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, धनकर को आते वक्त करूँ, अभी काजा चलूँ। अभी एक काम करते हैं, काजा चलते हैं, की, किब्बर, हिक्किम, की, किब्बर, चिच्चम, ये सब करते हैं। ये जो पहाड़ हैं इनको देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कब ये ऐसे सीधा आके नीचे गिर जाएंगे, ऐसा लगता ही नहीं है ये पहाड़ है। पहाड़ तो वैसे पता नहीं, ये बहुत ही अलग टाइप का पहाड़ है भाई। ये देखो एकदम ऐसा लगा पत्थर रखा हुआ है, छोटे छोटे पत्थर। इस गांव का नाम है सुमरा, और सुमरा के पीछे जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो बहुत ही सुमरा लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। नज़ारे तो हैं भाई इधर अल्टीमेट एकदम। तो अभी हमने यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लिया क्योंकि यहाँ से जो नज़ारे थे अल्टीमेट लग रहे थे, हमने सोचा फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। डीजे भाई ने हमारा हेल्प किया, हमने डीजे भाई का हेल्प किया। हम पहुँचने वाले हैं ताबो, और ताबो से काजा, इधर से ताबो चले जाएंगे हम, एंड ताबो से काजा करीब 45 किलोमीटर है। ताबो में एक मोनेस्ट्री है, ताबो मोनेस्ट्री, एंड लास्ट टाइम जब हम पिन वैली से वापस आ रहे थे तो हमने ताबो में स्टे लिया था। ये जो आप मेरे सामने एक बहुत ही अलग प्रकार का शेप देख रहे हो माउंटेन का, ये आपको इसी वैली में देखने को मिलेगी, स्पीति वैली में। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा ऐसे बीच बीच से कट गया है, ऐसा लगता है किसी ने मिट्टी का बनाया फिर डिज़ाइन दे दिया चाकू से। मुझे ये लगता है कि इसका ये रीज़न है कि बहुत सालों से इस पर देखो भाई बर्फ़ तो गिरती है, फिर बर्फ़ पिघल पिघल के नीचे जाती है, तो ये सॉइल इरोजन होते होते ये सारा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया भाई।
ये तो यहाँ बहुत कम है। अभी अगर आप आगे लोसर के तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे पहाड़ दिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन में। काजा से 16 किलोमीटर पहले एक रास्ता जाता है और ये जाता है टुवर्ड्स पिन वैली। यहाँ से अगर हम 34 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पिन वैली का लास्ट विलेज आएगा मुद। अभी फ़िलहाल लोगों ने बोला है कि इस रास्ते पे काम चल रहा है तो उस रास्ते को बंद कर दिया गया, तो हम अभी इधर जाने का ट्राई भी नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं काजा, 16 किलोमीटर में काजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक यार ब्रेक लिया क्योंकि यहाँ से नज़ारे थे अल्टीमेट। सामने बर्फ़ के एकदम स्नो पीक दिख रहे थे, नीचे यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन स्पीति रिवर बह रही है, उस साइड भी बर्फ़ के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। और यहाँ देखो यार क्या मस्त लग रहा है भाई, आसमान भी आज गजब ढा रहा है, पूरा सफ़ेद, पूरा वाइट क्लाउड, थोड़ा कहीं कहीं एकदम कंप्लीट ब्लू स्काई। और यहाँ पर हमारी लज्जो और यहाँ पे डीजे भाई एवरीथिंग इज़ गुड। और यार ठंड में बताऊँ तो देखो अभी दिन का टाइम है, -2 चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है काजा में, काजा हम पहुँच गए। और निगमा हाउस, सबसे पहले जब मैं काजा आया था तो निगमा हाउस में ही रुका था शायद, अगर मैं भूल, हाँ निगमा हाउस, वो वाला जो हाउस आज भी शायद लगता बंद है क्या वो। एक्चुअली बहुत सारे होमस्टेज खुले नहीं होंगे जब तक वो पूरा सर्किट नहीं खुलता, ये लोग भी नहीं खोलते। तो अब हमारा ये प्लान है कि पहले तो फटाफट की मॉनेस्ट्री से पहले पेट्रोल ले लेते हैं। हालांकि पेट्रोल लेने का ज़रूरत है नहीं, हो सकता है हम आते वक्त भी ले ले तो चलेगा, देखते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ होगा तो आते वक्त लेंगे। और ये जो पेट्रोल पंप है इसको कहते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप। लद्दाख वाले भी यही कहते हैं अपने वाले को। ये जो रास्ता राइट को जा रहा है ये जा रहा है लेंगजा हिक्किम कॉमिक, और ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये जा रहा है टुवर्ड्स की किब्बर चिच्चम। अभी हम मैं गया था यार पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने, लेकिन वो कह रहे थे कि हम बस कैश लेंगे, कार्ड या गूगल पे वगैरह नहीं अवेलेबल है। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास कैश नहीं है, मैं फ़िलहाल घूम के आता हूँ, रात में कैश निकाल के फिर वेलकम। तो मेटपट एटीएम है काजा में, आपको एटीएम वगैरह सब मिल जाता, और कैश मेरे पास होगा शायद 500,000 तो होगा। तो मैंने सोचा अभी ज़रूरत भी नहीं है, 250 किलोमीटर रेंज बता रहा है, 150 भी चले तो भी बहुत। तो ये जो आपके सामने छोटे छोटे घर हैं ये है की विलेज, और इसी पहाड़ के उस साइड है की मॉनेस्ट्री। ये रहा भाई सामने की मॉनेस्ट्री, वेलकम टू की मॉनेस्ट्री। वैसे देखा जाए तो यार मैं पहले की मॉनेस्ट्री आया था, अबे कहाँ भाग रहे हो, क्या कर दिया मैंने, बट मुझे इतना याद नहीं है कि की मॉनेस्ट्री का हिस्ट्री क्या है। तो इस बारी मैं वहाँ जा के वहाँ समझ के फिर आपको बताऊँगा। मुझे बस ये याद है कि जो फ्यूचर बुद्धा है उनकी स्टैचू वहाँ पर ज़रूर है। लेट्स सी, अगर कोई मिलते हैं दिखाने वाले बताने वाले तो हम ज़रूर ये सारी चीज़ें देखेंगे। पता नहीं वीडियो शायद अंदर अलाउड नहीं था, कुछ ऐसा था। अगर हम इसी रास्ते से सीधा जाते रहेंगे तो किब्बर आ जाएगा, और ये भी जो ग्राम पंचायत है की, ये किब्बर में ही है। लेकिन अगर हम इस रास्ते से ऊपर मुड़ जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे की। भाई इसका रास्ता क्या मस्त है यार, ऐसे ऐसे मस्त एकदम सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। पार्किंग इधर है, ओपन 7 AM क्लोजेस 7 PM। ये जो की मॉनेस्ट्री है, मैंने पीछे पढ़ा ये करीब 11th सेंचुरी का बना हुआ है, और ये 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। इसको बहुत बारी अलग अलग आर्मीज़ के थ्रू अटैक किया गया, कभी डोगरा आर्मी, कभी मुगल, कभी मंगोल्स, कभी अर्थक्वेक के थ्रू। तो इसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, स्टिल बार बार इसको रेनोवेट किया गया। करीब 300 से 350 मॉन्क्स इसमें रहते हैं एंड स्टडी करते हैं। बहुत सारे पेंटिंग्स, म्यूरल्स, ये सारी चीज़ें अंदर हैं। तो जो जो चीज़ें दिखाने देंगे वीडियो में वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो चीज़ें नहीं दिखाने देंगे वो आप आके देखना है।
अबकी मोनेस्ट्री की हिस्ट्री जानने के बाद अब हम जा रहे हैं। अब किब्बर में क्या है, किब्बर एक गांव है जहां से आप चाहो तो स्नो लेपर्ड देख सकते हो। तो ये सामने जो विलेज है ये है किब्बर। अब किब्बर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पर से लोग आइबेक्स देखते हैं, जैसे मैंने बताया स्नो लेपर्ड देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम कोई ढाबा खोजते हैं, हम वहाँ ढाबा में कुछ खाते हैं। यार भूख लगी है बहुत तेज़, सुबह ही खाया था आलू पराठा, उसके बाद खाया भी नहीं है फिलहाल। ये देखो ये है किब्बर विलेज, और कितना सुंदर सा विलेज है, ऐसा लगता है खिलौने जैसे होता है ना वो छोटे छोटे, वैसे रखे हुए हैं ये सब। तो यहाँ पर जैसे ही हम किब्बर आए, किब्बर में जैसे ही एंट्री लेते हैं वहीं पे एक हमें दिखा ढाबा, ढाबा नहीं बोलेंगे इसको, रेस्टोरेंट बोलेंगे। रेस्टोरेंट में हमने पूछा कि भैया खाना मिलेगा, एक आगे पूछा मैंने, उन्होंने बोला बस चाय और मैगी मिलेगी। मैंने इनसे पूछा खाना मिलेगा, इन्होंने बोला हाँ मिलेगा आ जाओ। मैंने कहा क्या मिलेगा, उन्होंने बोला मेन्यू देख लो। आई वॉज लाइक चलो यार, मतलब सब कुछ मिलेगा। तो हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया है, खाना खाएंगे उसके बाद आगे जाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस, खा के देखते हैं कैसा है यार। टेस्ट भी अच्छा भाई, पेट भर के खाना खाया मैंने, जम के खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाया। इतना खाया कि अब चला नहीं जा रहा है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं चिच्चम। तो ये है भाई दी माइटी चिच्चम ब्रिज। भाई कितना भीड़ भीड़ लगा हुआ है देखो उधर। पहले ऐसे कुछ भी नहीं होता, पहले ऐसे कुछ भी नहीं हुआ करता था, अब तो भाई गजब का टूरिस्ट स्पॉट बन गया है चिच्चम ब्रिज। बर्फ बर्फ भी गिरा हुआ है नीचे साइड में, और यहाँ से अगर नीचे देख पाए कोई गजब। भाई पहले इधर कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं होता था, अभी देखो फूड ट्रक लग गया है, उधर फूड शेल्टर भी लग गया, डोम, ये पूरा चिच्चम ब्रिज को कवर कर लिया गया है, इधर भी है। अरे यार मैं दिखाता हूँ कि कितना डीप है ये, मतलब कितने गहरा है ये चिच्चम ब्रिज, यहाँ से तो देखना बड़ा मुश्किल है। और ये है देखो चिच्चम ब्रिज, ये है चिच्चम ब्रिज। और इसका अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट देखा जाए तो 259 लाख में बनाया है, 259 से भी ज़्यादा, 260 मान लो। और ये है हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ एशिया, और इसको जो टाइम लगा है 2003 में स्टार्ट हुआ, 2017 में जाके कंप्लीट हुआ है ये भाई। तो अब टाइम है कि भाई अब यहाँ से वापस चलते हैं टूवर्ड्स काजा, बाय बाय चिच्चम ब्रिज और बहुत सारी जगह
बहुत सारे अलग अलग ढाबा खुल गए यार यहाँ पे। सो दिस इज़ द हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, नॉट द हाईएस्ट ब्रिज यार। ये बढ़िया चिच्चम विच्चम सब कुछ देखने के बाद, आज का दिन कंप्लीट करने के बाद, अब हम पहुंच रहे हैं काज़ा। फटाफट कोई बढ़िया सा होम स्टे, होटल, डॉम्स कुछ भी ऐसा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई हम आ गए काज़ा। काज़ा में हमने ले लिया एक होम स्टे, होटल लिया हमने। 2019 में जब मैं आया था तो यहाँ पे एक होटल था निगमा हाउस, जहाँ पर मैं, निशान भाई और विष्णु भाई, हम तीनों ने स्टे किया था। उसी होटल को ढूंढते हुए मैं फिर से आया और मैंने देखा यार इसका तो रूप ही बदल गया है भाई, और वहीं पे हमने फिर से स्टे लिया। स्टे बहुत ही प्यारा है, देखो ये पूरा रूम है और ठीक ठाक प्राइस में मिल गया ये पूरा रूम। अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, ऑल्दो मैंने बहुत खा लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगे तो आप कुछ खा लिया करो। और मस्त बात बताऊँ, अभी -8 डिग्री टेम्परेचर है, ये देखो भाई -8, और हम दोनों डीजे और मैं दोनों नहा के आए हैं अभी भाई पता नहीं क्यों लेकिन नहा के आए हैं भाई। अभी थोड़ा देर में के लिए हम नीचे गए, ये इतनी ज़्यादा ठंड थी, हमने कहा भैया खाना हमें ऊपर भिजवा देना, हमारी हिम्मत नहीं हो रही नीचे जाने का। तो हम वापस आ गए और कंबल के अंदर घुस गए, हमने कहा खाना ये भिजवा देना, सबसे पहले गर्म पानी और चाय भिजवा दो, बहुत ठंड है यार आज इधर। आज खाना आ गया, खाना हमने दिन में बहुत ज़्यादा खा लिया था इसलिए मैं तो बहुत कम ही खाने वाला हूँ। आज डीजे हेल्प करेंगे मुझे सब कुछ फिनिश करने में। डीजे स्टार्ट हो जाओ आप। ओके ये चावल है, दिस इज मिक्स वेज, दिस इज दाल। चावल एट फर्स्ट, I meant ki you should eat. I will eat, but I'll eat less only.